सभी देशवासियों एवं नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य अभिजीत सिंह ठाकुर एवं समस्त ग्राम पंचायत सानोदा। आप सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। सौजन्य हेमंत सिंह राजपूत रिछावर। सभी देशवासियों एवं शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। सौजन्य संगीता सिंह महिला थाना प्रभारी सागर। समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य मीनाक्षी विजय गौतम उपाध्यक्ष नगर पालिका मकरौनिया। समस्त देशवासियों एवं नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। सौजन्य समस्त ग्रामवासी लिधौरा पिपरिया करकट। समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। सौजन्य राजकुमारी कुशवाहा संदीप कुशवाहा। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। सौजन्य दिव्य प्रकाश त्रिपाठी थाना प्रभारी बहेरिया जिला सागर। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। सौजन्य महेंद्र सिंह जगैत थाना प्रभारी मकरौनिया। आप सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। सौजन्य ग्राम पंचायत नरवानी बीरबल कुर्मी सरपंच। आप सभी प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। सौजन्य समस्त ग्रामवासी सानोधा। मध्य प्रदेश के एक IPS अधिकारी को साइकिल चलाने का शौक है। वो ऐसे में AC4 व्हीलर गाड़ियों को छोड़कर साइकिल से सफर करते हैं। ऐसे में 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव में इस IPS अधिकारी ने साइकिल से तिरंगा यात्रा निकाली, जो काफी वायरल और चर्चित हो रही है। इन्होंने साइकिल से 60 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा का सफर तय किया है। आजादी और देश के नाम इस IPS ने इस यात्रा के माध्यम से कई संदेश दिए हैं। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा और सागर से जुड़ी हैं, जहां सागर और छतरपुर रेंज के DIG विवेक राज कुकरेले ने बंडा से तिरंगा यात्रा साइकिल से शुरू की। सर्वप्रथम वह बंडा के बस स्टैंड पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे, फिर थाने में पौधारोपण किया। और इस साइकिल से तिरंगा यात्रा का प्रारंभ किया। यह तिरंगा यात्रा धामौनी किले से होती हुई गढ़पहरा किला पहुंची और फिर गौर मूर्ति 3 बत्ती सागर में इसका समापन हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी जो भूमिका है स्थापित करने के लिए, लोगों को स्फूर्ति जागरूक करने के लिए, वातावरण हमारे पर्यावरण की संरक्षा के लिए जागरूक करने के लिए, बच्चों को बेहतर जागरूकता करने के लिए आज हमने साइकिल सर ये तक जाएगी साइकिल यात्रा। बेसिकली ये हमारे गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण। कभी बेडोल शरीर के लिए IPS अधिकारी बदनाम रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइकिल की बदौलत यह अधिकारी आजकल फिट है और साइकिल चलाने के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने की हर दम संदेश देते हैं। आज उसी साइकिल से इन्होंने देश के तिरंगा की शान की बुलंदी का संदेश दिया है और 60 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा साइकिल से निकाली। अतुल विश्कर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, बंडा।